हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी कहानी का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड्स उनके लिए जो लगातार मिल रही अपनी हार के बाद भी कोशिश किए जा रहे हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है, रास्ता कितना भी बंजर क्यों ना हो कि रास्ता कितना भी बंजर क्यों ना हो, इंसान को बस चलते रहना चाहिए और मंजिल खुद में चल कर आ जाए। मेरे दोस्त, मंजिल खुद चल कर आ जाए, सीने में ऐसी आग जलते रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। कमलेश जौरा से खाली हाथ लौट कर नहीं आया था, बल्कि विचारों की नई रोशनी लाया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। बल्ले न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहो है, इसलिए अपनों पुरानो टेम्पो बेच रहे है 40,000 में, महीना के 8-10,000 कहूँ ना गए पापा, मैं चला लेंगो। मनोज जानता था कि 12th फेल होने के जाने के बाद उसे अब कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती, उसे अब किसी काम धंधे के बारे में ही सोचना होगा। इसलिए उसे कमलेश की ये योजना उपयोगी लगी। उसके आसपास के सभी लड़के यही सब काम तो करते हैं, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, जिसके पास पास कुछ पैसा अधिक है उसने जौरा में किराने की दुकान खोल ली। एसटीडी का चलन बढ़ रहा था, तो किसी ने एसटीडी बूथ डाल लिया और जिनके पास जमीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा जमीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ भी नहीं होता था। इसलिए धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन पापा के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ोगे, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो गए, पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर घर जाके उधार मांगती हो, तब इज्जत न जागते, मोड़ा मेहनत करके कछु करबो चाह रहे हैं तो जे मदद करबे की जगह टांग अड़ा रहे हैं। माँ का उलाहना सुनकर पिता ने मौन साध लिया। अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि पिता बैग में कपड़े जमा रहे हैं। पिता को कपड़े जमाते देख वह ठगी रह गई। उसे लगा कि वह पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकलता हूँ, जल्दी रोटी बना खा के जाऊँगो। माँ को पिता पर क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना उसे उचित नहीं लगा। पिता की नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था कि पिता के जाने के साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन कमलेश के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने कहा, बाप तो त्यो इन मौका पे भाजी गयो, अब मुँह से का चाहत है, मैं कहाँ से 40,000 रुपया ले आऊँ। बहुत देर चर्चा होने के बाद निष्कर्ष निकला। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 पंडित कालीचरण से उधार मिल जाएंगे, जेवर रखे हैं गिरवी रख देऊंगी। 40,000 में बल्ले का सेकंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। कमलेश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर मनोज को मिली। मनोज ने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ लगाना शुरू किया, छहरा भर्रा बागचीनी मुरैना। थोड़ी देर में मुरैना की 5 सवारियां मिल गईं। टेम्पो सवारियों की सवारियां लिए मुरैना की ओर बढ़ गया। व्यवसाय की अच्छी शुरुआत रही। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चे के इस तरह पैसे कमा कर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया, बाल धूल से सन गए, शर्ट मटमैली हो गई, होंठ पपड़ा पड़ गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरा मोड़ा बड़ा हो गया है। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा, यदि इस तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण उसे अपने बच्चों से उम्मीद होने लगी थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से संभल जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया।
मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर 200 मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और कमलेश टेम्पो के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सिर निकाल कर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना जा रोड पे टेम्पो चला, वो भुला देंगे। अब चला टेम्पो, या वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटर के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। मनोज ने डरते हुए थानेदार से कहा, सर मेरे टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दिया है। थानेदार ने दीवान का को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश क्या फरियाद लाया है? दिनेश ने जैसे रटा हुआ वाक्य बोलना शुरू किया, मैं और मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने, एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जवान चलाता है। मनोज हुआसा होते हुए बोला, ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। थानेदार अब अपने असली रूप में आ चुका था। चुप साले, बंद करो दोनों को अंदर, जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई, दोनों के आंसू बहने लगे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वे डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। 2 घंटे बाद दीवान ने उनसे कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहम दिल हैं, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट से ही मिलेगा। कोर्ट से छूटने के इंतजार में कई टेम्पो थाने के बाहर खड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे थे। दोनों समझ गए कि अब कोर्ट से छूटने का मतलब है कि उनका टेम्पो भी यहाँ खड़े खड़े कबाड़ हो जाएगा। थाने से छूटने के बाद दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बन गया था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए। निराश, दुखी, टूटे हुए, पराजित से आंखें आंसुओं से अब भी भरी हुई माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। घटना सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। घर को पटरी पर लाने की उम्मीद जो कुछ दिनों से बन रही थी अचानक चकनाचूर हो गई, पर माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मनोज को दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना करे। रात भर मनोज छत पर पड़ा रहा, उसे नींद नहीं आई, जागता रहा वह सारी रात। रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। कल की बेबसी ने जो आंसू बहाए थे वह सूख चुके थे। जिन सपनों को लेकर नया व्यवसाय शुरू किया गया था वह सपना टूट गया था। पिछले 1 महीने में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को संभालने की कोशिश की जा रही थी, पर अचानक सब बिखर गया। मनोज चाहता था कि कोई उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे तूफान को थाम ले। वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। उसने बिना भूमिका के अपने मन के क्रोध को राकेश से कहना शुरू किया। जो लोग मेहनत करके ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, उनको ही पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस ऐसा सुलूक करती है जैसे हम चोर लुटेरे हों, जिसके पास 500 पैसे हैं, क्या सड़क उनके बाप की है? जिसके पास 5-5 बसें हैं, उन्होंने सड़क खरीद लिया है? गरीब अपना टेम्पो ना चलाए? इतना कहकर मनोज ने राकेश को कल की पूरी कहानी कह सुनाई। राकेश ने मनोज को अधिक गंभीर होते देखा तो वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगा, कोई नई बात बता, ये तो सब जानते, आज तेरे साथ घटना घट गई तो तू परेशान है रहे है, रोज ये ही लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, गरीब ऐसे ही पिस रहो है। मनोज के मन का विद्रोह और भड़क गया।
पर ये तो गलत है ना, जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम कर रहा है उसे क्यों सताया जाता है। राकेश ने जीवन का व्यवहारिक ज्ञान सपाट तरीके से मनोज को देने की कोशिश की। मनोज, इसीलिए आदमी मेहनत कर तो अपने मोड़ा मोड़िया ने पढ़ाव तो नेता पुलिस से दोस्ती कर तो, तुम्हारे पास पैसा होते तो थानेदार के मुंह पे मारते, तुम्हें नेता विधायक कलेक्टर एसपी जानते तो वे थानेदार से तुम्हारी सिफारिश कर देते, पर तुम हो ठन ठन गोपाल, कोई ना जानतो तुम्हें, न तुम जानते काहू को। मनोज को यह कड़वी बात पसंद नहीं आई। मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि झूठे केस ना बनाए, गरीबों पर अत्याचार ना करें, वह नियम और सिद्धांत की बात ही पकड़े हुए था। लेकिन राकेश ने कठोर सच्चाई उसके सामने रख दी, तेरे जैसे लोग गाड़ीबाज ना कर सकत, सवारी बिठाने के चक्कर में गोली भी चल सकती है। पिछले महीना जौरा पुलिया पे चली ना हती गोली, एक टेम्पो वाले की जांघ में घली हती। तुरहन दे लड़ाई झगड़ा पुलिस कचहरी सड़क पे मारपीट जेते बस के ना है। मनोज कल से जिस घटना के कारण इतना परेशान था, उस घटना को राकेश ने बहुत ही चलताऊ और रोजमर्रा की घटना मान लिया। पर थानेदार की शक्ल याद करके मनोज को रह रहकर क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। पर मैं उस थानेदार को भूल नहीं सकता, राकेश भी अपने सिद्धांत पर डटा रहा। तो ना भूल, सब थानेदार ऐसे ही होते हैं, राजा हरिश्चंद्र ना होत, कुछ अच्छे भी होंगे जो सही काम करते होंगे, झूठे केस नहीं बनाते होंगे, कानून के रक्षक होंगे, मनोज के मन ने कल्पना की। मनोज की व्यथा अंधकार में प्रकाश की खोज कर रही थी, कहीं से वह आश्वासन चाहता था कि न्याय की पक्षधरता अभी जिंदा है। पर राकेश उसे यह तसल्ली किसी तरह देने को तैयार ना था। अच्छे थानेदार मैंने तो ना सुने, पर मैंने सुनो है कि एसडीएम दुष्यंत सिंह गरीबन की सुन तो है, ईमानदारी से काम कर तो है, बड़ी तारीफ सुनी है। तू तो एसडीएम दुष्यंत सिंह से मिल ले, हो सकत है टेम्पो छूट जाए। मनोज को राकेश की यह सलाह पसंद आई। दुष्यंत सिंह के नाम से उसे उम्मीद दिखने लगी। जौरा तहसील कार्यालय में भीड़ बढ़ने लगी थी। मनोज और कमलेश अपना टेम्पो छुड़वाने के लिए एसडीएम दुष्यंत सिंह के से मिलने तहसील पहुंच गया। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह टेम्पो छुड़वाने के लिए कैसे सिफारिश करे। संकोच के कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दुष्यंत तो उसकी कमेंट्री की तारीफ कर रहे थे, उसे योग्य मान रहे थे, टेम्पो की सिफारिश करने पर तो उसकी असलियत ही खुल जाएगी। मनोज यह सोच ही रहा था कि दरबान ने उसे एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर अपना नाम और एसडीएम से मिलने का कारण लिखना था। उसने पर्ची पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन मिलने का कारण कॉलम में टेम्पो छुड़वाना है ऐसा वह नहीं लिख सका। उसे लग रहा था कि ऐसा लिखने से दुष्यंत सिंह उसे मिलने के लिए अंदर बुलाएंगे ही नहीं। मनोज उसकी नज़र में योग्य ही बना रहना चाहता, इसलिए उसने पर्ची पर मिलने का एक अलग ही कारण लिख दिया, करियर और पढ़ाई पर चर्चा करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनाएंगे। थैंक यू।